अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से पौधों के ऊपर बहुत से पेस्ट अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक गई है। ना सिर्फ पौधों के ऊपर बल्कि मिट्टी के अंदर भी जड़ों को नमी की वजह से जो फंगस लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी पौधे ग्रोथ नहीं करते। इनके पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं और पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज़ इस्तेमाल करने का बताने वाला हूँ, जो कि ना सिर्फ मिलने में आसान है और ख़रीदने में भी बहुत सस्ती है। और ये ना सिर्फ एक फंगीसाइड, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड है, इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और फंगीसाइड। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती है। डिस्प्रीन या एस्प्रीन आपके इलाके में जो भी इन दोनों में से मिलती है आप ले सकते हैं। तकरीबन मेडिकल स्टोर से 2 रुपये की एक गोली मिलती है और एक ही गोली आपके सारे पौधों के लिए बहुत है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने तकरीबन एक गोली लेनी है और इस तरीके से आपने 1 गिलास के अंदर पानी लेना है और इस गोली को इस तरीके से इस पानी के अंदर अच्छे तरीके से आपने हल कर लेना है। आपके पौधे की जड़ जो है वो गल रही है या किसी भी कीड़े की वजह से ख़राब हो रही है, तो ये फौरी उस पर असर करेगी और आपकी जो पौधे की जो जड़ें हैं उन्हें रिपेयर करना शुरू करेगी। ना सिर्फ फंगस को ख़त्म करेगी बल्कि जड़ों के ऊपर जो लगे हुए कीड़े हैं उनको भी ख़त्म करेगी। तो इस तरीके से आपने इसे हल कर लेना है और इस 1 गिलास को आपने, जिसके अंदर हमने एक गोली इस्तेमाल की है, इस 1 गिलास को आपने तकरीबन 5 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। ये मेरे पास तकरीबन 10 लीटर की बोतल है, तो इसके अंदर मैंने 5 लीटर पानी ले लिया है और ये 1 गिलास जो हमने एक गोली इसके अंदर ऐड की थी, इस 5 लीटर पानी के अंदर हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने इस बोतल के अंदर ये डिस्प्रीन वाला पानी डाल लेना है और इस पानी को अब हम अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे। जितने भी आपके पौधे हैं, खूबसूरत जितने भी पौधे हैं, उनको आप इस तरीके से पानी दे सकते हैं गमले के अंदर अच्छे तरीके से। हर गमले के अंदर आप 1 गिलास ऐड कर सकते हैं। अगर छोटा गमला है तो उसके अंदर, जैसे कि ये है 8 इंच का पोट है, तो इसके अंदर आप आधा ग्लास ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी फ्लावर प्लांट है जिसके ऊपर फूल नहीं आ रहे, तो इसके अंदर भी आप इस तरीके से 1 गिलास ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐसे गमलों को ये पानी देंगे तो ये फौरन से असर करना शुरू कर देगा। इसके बाद जो आपके मिर्च वाले पौधे हैं, कोई भी सब्जियों के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं, इनको भी आप इसी तरीके से दे सकते हैं। मॉस रोज़ है, इसे भी आप इसे 1-1 गिलास गमलों के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका है इसे इस्तेमाल करने का, जो कि आपके पौधों के पत्तों के ऊपर जितने भी पेस्ट अटैक कर रहे हैं इनको ख़त्म करेगा। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपने इसी तरीके से 1 गिलास के अंदर पानी लेना है। इस बार हम आधी डिस्प्रीन, तकरीबन आधी गोली डिस्प्रीन की इस ग्लास के अंदर डाल देंगे और इसी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगी। अब हम जिस तरीके से ये पौधों पर अप्लाई करने वाले हैं, इससे आपके पौधों के ऊपर, जैसे कि मिरी बग है, लीफ माइनर है, वाइट फ्लाई नमी के दिनों में बहुत ज़्यादा हमला करती है। वाइट फ्लाई की वजह से हमारे पौधों के ऊपर जो है, हमारे पौधों के पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद और भी बहुत से पौधे, जैसे कि मिर्च है, उसके ऊपर ब्लैक तेला बहुत ज़्यादा हमला करता है। गुड़हल का जो पौधा है, हाइबिस्कस जिसे कहते हैं, इसके ऊपर मिली बग बहुत ज़्यादा हमला करता है। तो इन चीज़ों के लिए ये तरीका जो हम अप्लाई करने वाले हैं, इससे आपके पौधे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कीड़ों से। आपके पौधों के ऊपर जितने भी कीड़ों ने हमला किया है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जी आधी गोली मैंने इस ग्लास के अंदर ऐड कर ली है। अब करना क्या है कि आपने अपनी स्प्रे बोतल लेनी है और स्प्रे बोतल के अंदर आपने 1 लीटर पानी लेना है। इस 1 लीटर पानी के अंदर हम ये वाला 1 गिलास ऐड कर देंगे।
इस तरीके से आपने अपनी स्प्रे बोतल के अंदर ये वाला पानी डाल देना है और अब हम इसे अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। जितने भी पौधे हैं आपके, इससे ना सिर्फ आपके पौधे हेल्दी होंगे, लश ग्रीन होंगे और आपके पौधे हर किस्म के कीड़े से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसे अब हम अपने पौधे पर अप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से निला देना है। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, जितने भी आपके पौधे हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने, और कोशिश करें कि आपके पौधे का हर एक पत्ता इस स्प्रे के पानी से अच्छे तरीके से नहा जाए। तो इस स्प्रे को आप हर 15 दिन के बाद अपने पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो तरीका बताया, जितनी मिकदार बताई, आप उसी तरीके से इसे इस्तेमाल करें। और दोस्तों, आप इसे रूटिंग हार्मोन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कि आजकल बरसात के दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगाई जा रही हैं, तो आप इसी एक गिलास पानी के अंदर जो भी आप कटिंग लगा रहे हैं उसे डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दें, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। उसके बाद आप उस कटिंग को लगाएँ, आपके जो कटिंग है वो तकरीबन 80% कामयाबी की तरफ जाएगी। तो ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करती है, ना सिर्फ कलम को फंगस से बचाएगी बल्कि उसकी जड़ें निकलने में भी मदद करेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।